लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, आपको भी नींद में चलने की बीमारी है? तो इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं, इसलिए आप रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं। लेकिन चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, और इससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोए तो बेडरूम में थे, लेकिन जब आपकी आंख खुली तो आप डाइनिंग रूम में पहुंच गए? इसी तरह की कंडीशन को आसान भाषा में नींद में चलने की बीमारी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तरह की समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वयस्कों को भी ये बीमारी हो सकती है। सवाल उठता है कि नींद में चलने की बीमारी के कारण क्या और किन्हीं एक खासकर बीमारी प्रभावित करती है। नींद में चलने की बीमारी, जिसे हम स्लीप वॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये गहरी नींद के दौरान होता है। ये अक्सर सोने के एक दो घंटे के भीतर ही हो सकता है। नींद में चलने की इस बीमारी के दौरान जरूरी नहीं है कि आप नींद में यहाँ वहाँ टहलें। इसके बजाय आप नींद में चलने के दौरान आप कहीं बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं या फिर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। असल में इस दौरान आपकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पर नींद में होते हैं। नींद में चलने के कारण स्ट्रेस। कहते हैं कि स्ट्रेस या एंजाइटी को इससे व्यक्ति की नींद बाधित हो जाती है। स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण व्यक्ति को समय पर नींद नहीं आती है या फिर वह लंबे समय तक सोता रहता है। अगर आप नींद में चलने की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, तो जरूरी है आप अपने स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से जानकर उनसे निपटने की कोशिश करें। इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, कैफीन का सेवन बंद कर दें या कम कर दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और योगा अभ्यास भी करें। नींद की कमी। जिन लोगों का सोने का पैटर्न सही नहीं है, देर रात तक जगे रहते हैं, स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं या फिर अच्छी और पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में नींद में चलने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नींद में चलने की बीमारी थी, उनका एमआरआई करने पर पता चला कि ये लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते थे। इस वजह से इनमें नींद में चलने की समस्या बढ़ गई। अगर किसी को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, तो उनमें भी नींद में चलने की समस्या हो सकती है। यही नहीं, अगर किसी को लंबे समय से सरदर्द की समस्या बनी हुई है, तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल में होती रहती है, तो इस स्थिति में भी नींद में चलने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसा खासकर माइग्रेन के मरीजों को देखने को मिलता है। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है, खासकर बच्चे को, तो वह नींद में चलने की बीमारी हो सकती है। वैसे भी नींद में चलने या बुखार का आपस में गहरा कनेक्शन पाया गया है। दरअसल बुखार की वजह से रात के समय घबराहट या डर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नींद में खलल पड़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को अच्छी तरह आराम नहीं मिलता है और उसमें नींद में चलने की समस्या नज़र आने लगती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।